नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया है कि एक वैकेंसी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, तो दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन और अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, UDHD यानी कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाल चुका है। इसके लिए कैसे अप्लाई करते, क्या क्वालिफिकेशन है, हम सब चीज़ जानेंगे विस्तार से। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका चैनल है, यहाँ पे आपके काम की वीडियो मिलती रहेगी। यहाँ पर मैंने आपकी बहुत सारी काम की वीडियो पहले से बना दी। यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर आपके पास CSC सेंटर लेना चाहते हैं, CSC सेंटर अभी बंद हो गया ऑनलाइन, तो इस वीडियो को देख के आप इस वीडियो की मदद से CSC सेंटर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कुशल युवा परीक्षाओं का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरह के मैंने आपके लिए बहुत आपकी काम की वीडियो ऑलरेडी बना दी, इसलिए वीडियो को देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कॉमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, समय न गंवाते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किस डिपार्टमेंट की ओर से निकला हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, डिपार्टमेंट से निकला हुआ है, मतलब कि नगर निगम से, ठीक है, नगर निगम से बहाली हुआ, नगर निगम बहाली ले रहा है। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 19 दिसंबर से स्टार्ट है, जो कि 8 जनवरी 2020 तक अंतिम डेट है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है 1 जनवरी 2020 को यहाँ पे कम से कम या पोस्ट के अनुसार दिया हुआ 18 से 37 साल होना चाहिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको 21 से 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक, इतनी तारीख को इतना वर्ष होना चाहिए आपको, ये यहाँ पे दिया गया। अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 747 है। तो उसके बाद आगे जान लेते, यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे 5 पोस्ट निकाले गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा, डिप्लोमा इन सिविल, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर ये दो आपको मिल जाएगा इंटर लेवल प्लस टू विथ इंग्लिश हिंदी टाइपिंग, यहाँ पे आपको मिल रहा है। और यहाँ पे ग्रेजुएट, यानी 5 पोस्ट आपको मिल रहा है। तो ये देख लीजिए कौन सा पोस्ट आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट पे, किस पोस्ट पे कितना आपको सीट है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आप आसानी से इसको देख के समझ सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक दिया हूँ नीचे, अप्लाई ऑनलाइन करके उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन जो क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आपको मिला न्यू रजिस्ट्रेशन का एक बटन, तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का भी बटन अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको करा पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत पोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करा नेम, यहाँ पर आप नेम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम कह रहा है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, वो नाम आपको यहाँ पे इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फादर या हस्बैंड का नाम, तो यहाँ पे फादर्स का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह आप डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हैंडीकैप वगैरह है तो यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, मतलब कि विकलांग है तो टिक लगा सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है मेल या फीमेल, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी से यहाँ पे पूछ रहा है, इस कैटेगरी को आपको यहाँ पे
फिलअप कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल भी दिया गया है, EWSD भी दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इसको आप अपने हिसाब से टिक मार्कर कर दीजिएगा, मैं इसे अभी खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ईमेल आईडी देने के लिए, ईमेल आईडी यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी आप इंटर करके दिखा देते हैं। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर इस बॉक्स में देना है। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड, आपको नया पासवर्ड रखना है, नया पासवर्ड एक बनाना होगा और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करना होगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं फिलअप कर चुका हूँ सारा चीज़। उसके बाद ये कैप्चर, इस कैप्चर को आप यहाँ पे इंटर कर ले, सभी कैप्चर अलग अलग रहता है, तो यहाँ पे कैप्चर को आपको अलग कर लेना है। यहाँ पे मैं फिलअप कर चुका हूँ, फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे, आपको यहाँ पे देख पा रहे इस रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली यह हो गया है। यहाँ पे हमको यूजर आईडी भी मिल चुकी है, यहाँ पे पासवर्ड भी दिखा रहा है, जो पासवर्ड मैंने इंटर किया था। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, यूजर आईडी को और पासवर्ड को। पासवर्ड आपके मनपसंद का जो आपने इंटर किया था, तो वही पासवर्ड आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको यूजर आईडी आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। जो भी यूजर आईडी पासवर्ड हमको मिला तो उस यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चर जो मिला, इस कैप्चर को हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। ठीक है, कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, अब मैं लॉगिन भी कर चुका हूँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कह रहा है आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद जनरेट OTP, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, जनरेट OTP फॉर मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मोबाइल पे एक OTP भेज दिया गया आपके रजिस्टर मोबाइल पे, तो हम चेक कर ले। तो यहाँ पे मैं OTP इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है, मेन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमको करना होगा 7 स्टेप पूरा कंप्लीट। पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे टिक मार्कर लग चुका। अभी सारा स्टेप को हमें एक बाय एक करना होगा कंप्लीट। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएगा कुछ जानकारी जो कि अपने रजिस्ट्रेशन टाइम भरा था। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें आपको आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर, जो यहाँ पे आधार नंबर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस इंटर करना है, पिन कोड एड्रेस करना है और परमानेंट एड्रेस और अभी जहाँ रह रहे दोनों एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम आज अबाउट पे इसमें टिक बॉक्स लगा देना है। ठीक है, उसको एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमेस्टिक, किस स्टेट में आप रहते हैं। ठीक है, अपना स्टेट यहाँ पे इंटर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ बिहार। इंटर करने के बाद यहाँ पे कह रहा होम डिस्ट्रिक्ट, इस जिला में आपके घर जो है, घर होम वो किस डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक मार्कर लगा देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए करते हैं। पूरा एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको करना होगा सेव। तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कह रहा पर्सनल डाटा, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका। अब यहाँ पे गो टू होम है, गो टू होम पे यहाँ पे देखिए, गो टू होम पर क्लिक करेंगे। गो टू होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा कॉलम भी, उसमें भी टिक मार्कर लग चुका। अब तीसरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं जिस पोस्ट के लिए मैं भर रहा हूँ वो 12th लेवल पर है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक का फिलअप करूँगा और इंटर का फिलअप करूँगा और डिग्री को मैं यहाँ पे खाली छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे कह रहा है मैट्रिक आप किस बोर्ड से किए, अपने बोर्ड का नाम देंगे, तो बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड पटना। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहे हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप जो मैट्रिक किए किस कॉलेज से किए उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेज का नाम दे देना। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा पासिंग ईयर, तो अपना पासिंग ईयर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे मार्क परसेंट कितना आया, परसेंट ऑफ मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे जितना परसेंट है परसेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको परसेंट निकालना भी बता देता हूँ ताकि आपको परसेंट निकालने में दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो परसेंट निकालने के लिए मैं एक साधारण सा तरीका आपको कैलकुलेटर पे बता देता हूँ, ठीक है। जितना भी मार्क आया है, जैसे मान लीजिए हमें मैट्रिक में 393 है, ठीक है, और इन और 393 मार्क आया है, और परीक्षा जो होती है वो 500 की होती है, उस 500 में 5 से भगा देना है, 0 को हटा देना है, जितना मार्क आया है उतना से 5 को भागा कर देना है। तो मैं यहाँ पे 5 से भागा कर, यहाँ पे जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 78.60, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये पॉइंट इस तरह, जितना भी आपको मार्क आया उससे फुल मार्क के से भागा कर देना है, 5 से 0 नहीं ऐड करना है। इसी तरह आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे इंटर में भी अपना बोर्ड का नाम देंगी, और इंटर किस कॉलेज से किए हैं, इंटर आपको क्या था, साइंस था आर्ट था, वो देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आप इंटर किस साल पास किए थे वो देंगे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे इंटर में आपको कितना परसेंट आया था वो देंगे। ये फिलअप करने के बाद आपको सेव कर लेना है, सेव कर लेना, उसके बाद गो टू होम पे कर चले जाना है, ठीक है। मैं इस फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटर करना कर चुका हूँ, करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल इज सेव सक्सेसफुली, ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गो टू होम पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे गो टू होम कहीं पे आप क्लिक करके आ सकते हैं होम पे, तो गो टू होम पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन था क्वालिफिकेशन का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चौथा है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को आप खाली छोड़ सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है फोटो और अपलोड, सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। यहाँ पे अपलोड में आना है, सबसे पहले आपको फोटो पे क्लिक करना होगा, फोटो को मुझे अपलोड करना होगा। फोटो की साइज़ जो 50 KB से कम होना चाहिए और 200x230 DPI में होना चाहिए, पिक्सल में होना चाहिए, पिक्सल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। एक फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे फोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरह हमें सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जिसकी 20 KB से कम होना चाहिए। उसके चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह आप फोटो सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे मेरा फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम बैक आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो गो टू होम पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ गो टू होम पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, देख लेंगे। यहाँ पे देखिए फोटो में भी टिक लग चुका है, सिग्नेचर में भी टिक लग चुका है। अब करना होगा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा PDF में, जिसकी KB 400 KB से कम होनी चाहिए, और यहाँ पे इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा उसका, वो भी PDF में होना चाहिए, 400 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ग्रेजुएट के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो ये आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते। उसके बाद यहाँ पे कास्ट भी आप खाली छोड़ सकते हैं, हैंडीकैप वगैरह भी खाली छोड़। आप सिर्फ मैट्रिक का और इंटर का अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका जिस क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस क्वालिफिकेशन में अगर ग्रेजुएट मांग रहा है तो आप इसको भी अपलोड कर देंगे। दोस्तों PDF में बनाना होगा, ठीक है। तो PDF JPG को PDF में बनाने के लिए आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे, जे वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैंने इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से बताने की कोशिश की है, ठीक है। jpg2pdf.com जाना है, jpg2pdf.com पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल है, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट को आपको JPG से PDF बनाना है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको कर लेना होगा सेलेक्ट। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये अपलोड होगा। यहाँ पे देख लीजिए अभी इसकी साइज 1.2 MB है, ठीक है। तो ये हम PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका, उसके बाद यहाँ पे कम्बिनेट पे क्लिक करेंगे तो अब ये PDF में कन्वर्ट होके हमें डाउनलोड करके दे देगा। डाउनलोड यहाँ पे देखिए ये डाउनलोडिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो डाउनलोड हो रहा है ये 1000
38 केवी में है। अब इसकी हम साइज भी कम करना बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में पूरा प्रक्रिया हमको बताएंगे, इसलिए घबराए नहीं कि वीडियो बहुत लंबा है। वीडियो देखिएगा पूरी तरह से, आप समझ पाइएगा सही से। तो इसी तरह आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। पीडीएफ में कम कन्वर्ट करने के बाद आपको साइज को कम करना होगा। साइज कम करने के लिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। पीडीएफ की साइज कम करने के लिए इस वेबसाइट पर आएंगे, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ की साइज कम करने के लिए इस वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ से आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जैसे के भी कम करना चाहते। यहाँ पर देखिए मैं उस फाइल को सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो ये अपलोड हो चुका कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है, 100% ये अपलोडिंग होगा पहले। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। अब ये हमारा पीडीएफ की साइज कम हो चुकी है। पहले कितना था, 900 केबी में था, अब 217 केबी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू पीडीएफ जो है जो कम साइज का यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम अभी अपलोड करेंगे आपके सामने। चलिए अब यहाँ पे फिर से वेबसाइट पे चले आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो मंगाया जा रहा है इसको अपलोड कर लेंगे और इंटर का भी यहाँ से मैं अपलोड कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे अपनी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पीडीएफ फाइल को मैं इंटर मैट्रिक का सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा समय से मैं लॉगिन कर रखा था इसलिए लॉग आउट हो चुका है। यहाँ से फिर से हम लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका है, इसको हम देख भी सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फिर से हम होम पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए खाली है टेडोको में। अब यहाँ पे वैलिडेट ईमेल बचा, ईमेल को वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट ईमेल आईडी भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी पे यहाँ पे जेनरेट ओटीपी भी क्लिक करेंगे, उसका ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी हमें मिलेगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ओटीपी आ चुका। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई भी क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। ये देख लीजिए ओटीपी वेरी और जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया वो नीचे दिखा रहा है। यहाँ पे हम व्यू भी क्लिक कर कुछ डॉक्यूमेंट को हम देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल अब सबमिट करना है तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टिक मार्का लगा देना है। टिक मार्का लगाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक है तो प्रीव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपनी डिटेल को। यहाँ मेरा डिटेल सारा सही है तो इस पर टिक लगा के यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा। तो देखिए मैं यस कर दूँ, ये अप्लाई हो चुका है, ये रिसिप्ट हमें मिल चुका है। ये रिसिप्ट प्रिंट के लिए भी अब रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे मैं यहाँ से इस पीडीएफ को इस रिसिप्ट को कर लूँगा सेव। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ कर लिया सेव। तो ये एप्लीकेशन इसको आप निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।